मेरा नाम मंजू है, मंजू त्रिपाठी। क्या कर रही हैं आप लोग? हम लोग बेदी बना रहे हैं, क्योंकि गंगा जी दूर चली गई हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा और बेदी को आप गंगा जी के पास ले जा रहे हैं। कितने संख्या उमड़ती है यहाँ, क्या लगता है आपको? अरे नियर अबाउट 2000 के उससे अधिक ही होता है, 7-8 हज़ार हो जाता है पूरी घाट पे। तो छठ पर्व आज से शुरू है कि? आज से शुरू है। कितने दिनों तक चलेगा ये? चार दिन तो चलेगा। ये बेदी क्यों बनाते हैं भाई? सूरज भगवान की पूजा के लिए बेदी का बहुत महत्व है, बेदी बना के ही पूजा होती है। बस जी, मैं गर्वजीत सिंह, निवासी सिकंदरपुर गाजीपुर। गर्वजीत जी, ये क्या आप लोग कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है इसका? सर, उद्देश्य ये है कि जैसे कि गंगा जी का जो पानी था बहुत दिनों तक स्थायी ऊपर रह गया था, जिससे वो आप देख रहे होंगे वो इलाका दलदली हो गया है, तो जो श्रद्धालु हैं उनका पैर दलदल में ना फंसे, उनका उनके रास्ते को हम लोग सुगम बना रहे हैं। वैसे तो नगर पालिका गाजीपुर नगर में अन्य जगहों पर नाले पर पुल बना रहे हैं, जैसे आप पीछे हमारे देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है पारंपरिक जो है सिकंदरपुर में व्यवस्था लाइट का, टेंट का, बिजली का और साफ़ सफाई की व्यवस्था करते रहे हैं। तो हमने देखा कि दलदल होने के कारण श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग बोरिया में जो है बालू रख रख कर भर भर कर वहाँ पर रास्ता सुगम बनाने के लिए उस दलदल में बोरिया डाल रहे हैं। जी, मेरा नाम हर्षजीत है और मैं सिकंदरपुर इसी मोहल्ले का निवासी हूं। और जहां तक आप पीछे देख रहे होंगे कि पीछे गंगा जी के बहाव की वजह से आगे दलदली स्थल हो गया था, जिसकी वजह से छठ व्रतियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 1989 से मेरे पिताजी छठ व्रतियों के लिए कार्य करते आ रहे हैं कि उनके जाने के सुगम रास्ता और लाइट की व्यवस्था कराते आ रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग अब उनके दूसरी पीढ़ी जो है ये काम करा रहे हैं, जिससे कि आने वाले जो छठ व्रती हैं उनको आने में दिक्कत ना, उसके लिए हम लोग बालू बोरी में भराकर रास्ता फैला रहे हैं। और यहाँ तक पुल की बात है, नगर पालिका हर वर्ष बात इस बार भी पुल अच्छा बनवा रही है। देखा जा रहा है कि छठ जो है 4 दिन का पर्व है, लेकिन आज ही से आप लोग प्रक्रिया, हालांकि मेन छठ जो है वो 4थे दिन आता है। जी, ये छठ व्रतियों का जो पर्व है ये 4 दिन लगातार चलता है, लगातार 4 दिन लोग आते हैं, अपनी वेदी बनाते हैं, उसे पूजा कर तब जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सुबह सुबह आते हैं लोग। जी,